करते हो तो दूजा धर्म की अपने आशय अनुसार अपनी गल भी नहीं कर सकता। प्रशासन का फर्ज बनता भी जेकर थोड़े को कोई शिकायत लैके आता पहला तो देखो भी वह शख्सियत कितनी बड़ी आ, उनका योगदान की आ पंच के वास्ते पंजाब के वास्ते खास करके। तो जे असी बिना जांच पड़ताल कीत्या चक के किसी ने इस तरह दागी कर देने उन्होंने मुजरम बना देने तो ये सोच के भी जे कोई अगले बन्ने जो बैठे ने चुप बैठे रहेंगे साड़ी नलायकी है भी ढाई साल असी चुप करके बैठे रहे हैं, ये सोच के भी शायद प्रशासन को पता लग गया हो सच्चाई का तो परचा खारिज कर दिता होगा। पर अज ढाई साल बाद उन्होंने वालों एक बड़ा कट करके अमृतसर साहब के कोशिश कर जी दिखाने की कोशिश की भी साढ़े बड़ी एकता से असी कट्ठे हो के कुछ भी कर सकते हैं, ये बड़ा मंदभागा जी। किसी को धर्म का प्रचार करने तो नहीं रोकया जा रहा, हर कोई अपने धर्म का प्रचार अपने आशय अनुसार करे, हर कोई तो अपने सिद्धांत अपनी मर्यादा अनुसार करे। पर जे कोई यह कहे कि दूजे का धर्म जिहड़ा वा जां उहदा गुरु साहिबान की जो कथा कहानियां गुरबाणी आ जां साखियां ने कोई ना सुनावे तो ये रोक लवेंगे तो ये होना नहीं जे। ये खालसा पंथ की हमेशा ही चढ़ती कला का प्रतीक पंथ रहा। देखो दे विच जिहड़ियां धार्मिक जथेबंदियां उन्होंने रोस प्रदर्शन के तौर पर थाने का घराव किया, उन्होंने सानू एक मंग पत्र इस संबंधी दिता है। मानयोग SPD सर विशाल जी जी ने उन्होंने जिहड़ियां सिख संगत उन्होंने भरोसा दिता भी जिहड़ी इन्होंने रीप्रजेंटेशन सानू मार्ग दिती है उहदी नियमां मुताबक जिहड़ी आ महीने सवा महीने दे विच अहीं पड़ताल करके इस मुकदमे नूं अहीं अंतम छोहां तक लैके आवांगे।